अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश है और हमारा टॉपिक जो है ये एक स्टोरी है बेटा, लिटिल गर्ल, है ना। हाँ, ये एक ऐसी बच्ची की कहानी है कि जो मतलब क्या करती है, अपने बाप से डरती है। हाँ, इसको अपने बाप से डर लगता है, ये उसके बारे में एक स्टोरी है। कहता है, ऑल फादर्स आर नॉट अलाइक, सम शो देयर लव एंड अफेक्शन फॉर देयर चिल्ड्रन एंड प्ले विद देम, अदर्स ऑल्सो लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, बट दे शो इट बाई वर्किंग हार्ड फॉर देम एंड गिविंग देम इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट द लिटिल गर्ल्स फादर वॉज लाइक। यानी कि कुछ बाप ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने बच्चों को मतलब हर फादर जो होता है या हर पेरेंट्स जो होता है, वो अपने बच्चों के लिए अलग अलग तरह से अपना प्यार शो करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो अपने बच्चों को चूम के, है ना, हाँ करते हैं, क्या उनके साथ खेलते हैं, है ना, तो उनके साथ अपना वो प्यार मोहब्बत का क्या करते हैं, इजहार करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं भाई, कुछ ऐसा काम करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं ताकि उनके बच्चों को उससे कोई फायदा हासिल हो सके, है ना। और कुछ क्या करते हैं भाई, उनको कुछ नसीहतें वगैरह या एडवाइस वगैरह देते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह ये एक स्टोरी है, ये बोलता है कि भाई कुछ, ये तो कुछ पेरेंट्स की बात है, अब इस स्टोरी में जो पेरेंट है वो कैसा है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। यानी कि वो लड़की, जो छोटी लड़की है, लिटिल गर्ल है, वो क्या है बेटा, एक ड्रावनी सी शक्ल है, यानी कि वो अपने बाप से डरती है। और हर सुबह जब उसका बाप काम पे जाता है तो वो उसको आता है, क्या करता है, किस करता है, और फिर वो उसको गुड बाय कहती है और वो काम पे चला जाता है। एंड ऑल द ग्लैड सीन ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन रोड। यानी कि वो खुश कब होती है, जब उसको उसकी आवाज सुनाई देती है ना, वो क्या आहिस्ता 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 खत्म हो जाती है और वो ये सोचती है कि शायद अब उसका बाप चला गया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।